सभी की चाहती यूट्यूबर मोनल सभद्र हूँ। सर प्रणाम। हम लोग लखनऊ के भाजपा के कार्यालय में हैं। आपको देखे तो आपकी थोड़ा सा परिचय दे दें। मैं डॉक्टर टीआर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल से हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रबल समर्थक और सहयोगी दल। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विराजमान हूँ, आज भाजपा कार्यालय के प्रांगण में हूँ। मैं आपको हृदय से मात्र शक्ति के परख पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आप उड़ीसा की धरती पर आई हैं। आप एक बहुत बड़ा काम करेंगी। हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद से आज एक ऐसा नायक भारतवर्ष में यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो करप्शन के खिलाफ और क्राइम के खिलाफ पूरे विश्व में डंका बजा चुके हैं। मैं आपके सम्मान में दो लाइन लिखता हूं कि फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को बीज चला करते हैं, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिराग वो है जो तूफान में चला करते हैं। विरोधी पार्टियाँ इस समय करप्शन में युक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी करप्शन मुक्त करना चाहती है। चाहे ईडी का शासन, चाहे ईडी हो, चाहे आपकी सीबीआई हो, चाहे रा हो, जो भी हो, भाई करप्शन के खिलाफ युद्ध हम लड़ रहे हैं। आप क्यों परेशान हैं? अगर आपको देश सेवा करना है तो करप्शन मुक्त भारत पहले करना पड़ेगा। मैं अप्रैल के महीने में सर झुका करके हजारों बार अभिनंदन और वंदन करता हूं देश के उस शख्सियत को जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होकर के भारत का संविधान रच दिया। अब उनके ऊपर मैं दो लाइन लिखता हूं कि जब जब जग जिस पर हंसा है उसी ने इतिहास को रचा है। मैं आपको ये पंक्तियां इसलिए देता हूं कि आप गरीबों के दिल में राज करिए, आप दीन दुखियों के दिल में राज करिए, जो महिलाओं का शोषण होता है उसके खिलाफ आप बगावत करिए। मैं सर झुका के बार बार इसलिए प्रणाम करता हूँ। उड़ीसा की धरती पे आपकी जो टीम आई है, आपके चैनल को, आपके सभी अनुयायियों को, आपके सभी साथियों के हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है करप्शन क्राइम जीरो टॉलरेंस नीति, और हिंदुस्तान की धरती में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे करप्शन मुक्त भारत में अगर कोई प्रदेश है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश है, जहां 12 बजे रात में भी नारियां सुरक्षित हैं, जहां दिन दहाड़े जो है लूट होती थी। बहुजन समाज पार्टी के शासन में, सपा के शासन में, कांग्रेस के शासन में गुंडे खुलेआम घूमते थे, लेकिन इस समय सारे गुंडे चुप हो गए हैं, या जमीन में चले गए हैं, या जेल में चले गए हैं, या स्टेट छोड़ के बाहर चले गए हैं। मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, सर झुका के आपको प्रणाम करता हूँ। मीडिया भाइयों को स्वागत अभिनंदन वंदन। बहुत बढ़िया, बाकी ऊपर ही चले गए, बाकी सर हमें नहीं दिया चाहिए, भाग रही है। सम्मान क्या कर रहा है, धन्यवाद दे दो। जगदीश प्रसाद गौतम, राष्ट्रीय महासचिव अपराध मुक्त भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्यायालय कमर, राष्ट्रीय महासचिव चारक की सूची जारी हुई है, आप क्या करना चाहेंगे? सूची जारी हुई भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल वाले और जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो है और इस ग्रुप में हम लोग आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को 400 के ऊपर हम लोग जिताने की पूरी मेहनत करेंगे। 2022 में भी हम लोगों ने गांव गांव जाकर के भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत बनाने का काम किया। आपकी इतनी शॉर्ट है बोलिए। मैं डॉक्टर टी आर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध, बीजेपी अलायंस है, बीजेपी समर्थक है, बीजेपी सहयोगी दल है। हम उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में खड़े हैं इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। अभी हम इलेक्शन कमीशन के 12 स्टार प्रचारकों की सूची प्रेस किए हैं और 12 स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जाएंगे और करप्शन अपनी चाहिए, करप्शन खत्म करना, करप्शन क्राइम का जो टॉलरेंस के बीच चला।
रहे हैं, क्राइम को खत्म करना हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी चला रहे हैं, हम उनको तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अभी 10 मार्च को हमने भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के माध्यम से, मतलब हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हमने दे दिया है समर्थन, और डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को भी दे दिया है, माननीय विशेष पाठक को भी दे दिया है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, ईद है, ईद को तहे दिल से स्वागत वंदन अवेंटेबिलिटी के नाम पर गरीबों को शोषण किया जाता। मैं डॉक्टर टी आर सिंह सुप्रीम कोर्ट में भी बहस करता हूँ, PIL का मैं एक्सपर्ट हूँ। हम चाहते हैं इस देश में दलितों के ऊपर जो जुल्म हो रहा, महिलाओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा, निहत्थों पर जो जुल्म हो रहा, हम अपनी कलम से उनको दान देना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश की भी नहीं, पूरे भारत की जो देशवासी बहुत